लगातार बारिश हो रही है और इस समय हम मेंढर के पाटाकासी इलाके में हैं सखी मैदान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का बहाव तेज होने के कारण ये डंपर जो यहाँ से क्रॉस कर रहा था एकदम से पलट गया, जो कि तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गनीमत ये रही कि इसके बीच में जो चालक था उसका रेस्क्यू जो है वो लोकल लोगों ने और साथ में पुलिस ने जो है वो किया है। काफ़ी लोगों का हजूम आप इस तरफ देखिएगा कि लोग इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। और एकदम से सुबह से जो है काफ़ी गर्मी थी और एकदम से बारिश जब होती है और बारिश होने के बाद यहाँ पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये डंपर यहाँ से आ रहा था और सीधे तौर पर यहाँ पे पलट गया, जबकि यहाँ के लोकल लोगों ने जो है इस ड्राइवर का रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल लिया है। हालांकि अगर इसके दूसरी तरफ की बात करें अड़ी साइड में, तो वहाँ भी काफ़ी जो है पानी रोड पर आ गया था और जिसके चलते वहाँ भी दोनों तरफ से आवाजाही बंद रही। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा दोनों तरफ से, क्योंकि ये पूरा इलाका कट चुका था। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग पहुँचे, जबकि SHO मेंढर खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और वॉलंटियर यहाँ के जो लोकल लोग भी थे, तो बहरहाल इस ड्राइवर को यहाँ से रेस्क्यू कर बचा लिया है। वहीं प्रशासन ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि जो भी नदी नालों बहाव के पास जो लोग रहते हैं वो उसके पास ना जाए, ताकि बारिश अभी होने की और संभावना है, किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। राही कपूर, मेंढर, पुंछ।